वाशी स्थित एमजीएम हॉस्पिटल में देश की पहली रोबोटिक सर्जरी संपन्न हुई। द विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के जरिए कैंसर से पीड़ित पश्चिम बंगाल के रहवासी सुजीत कुमार सोम नामक व्यक्ति पर इस प्रक्रिया के जरिए सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। डॉक्टर साहब ने मैंने बोला है रोबोटिक सर्जरी करने से तुम कमजोरी ओपन करने से कमजोरी हो सकता है, रोबोटिक से तुम्हारा अच्छा जितना कैंसर है हम निकल सकेंगे। बाद में पहले तुम केमो रेडिएशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद तुम्हारा केमो नहीं चाहिए। हाँ, तो हमको बोला है तो डॉक्टर साहब ने, तो हम एग्री हुआ जो ठीक है मैं रोबोटिक से मैं सर्जरी करूँगा। हाँ, मैं रोबोट तो मैं पहले तो नहीं सुना है रोबोट। हाँ, लैप्रोस्कोपी में होता है और कोई में होता है, तो रोबोट में नहीं सुना है। हाँ, मैं तो घर में फोन करके मैं बोला है जो रोबोटिक, तो बोला है जो अच्छा डॉक्टर से तुम बात कर लो, जो अच्छा है वही कर लो तुम। नवी मुंबई में पहली बार ही इस प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। रोबोटिक सर्जरी का इलाज भले ही खर्चीला हो, मगर इसके फायदे यानी कि कम समय में इलाज को अंजाम देना, सर्जरी से मरीज को तकलीफ कम होती है और ब्लीडिंग भी कम होती है। सो रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें पेशेंट को कम से कम दर्द के साथ और जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करने के लिए कैसे प्रयास किया जा सकता है। तो मेनली जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा फायदेमंद है, जिसमें पेशेंट का कैंसर बॉडी से पूरा निकाल के पेशेंट को नॉर्मल लाइफ कैसे जल्दी से जल्दी दिया जा सकता है। सो रोबोटिक सर्जरी उसी में फायदे के लिए बनाया हुआ है। वहीं डॉक्टर नितिन कदम के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी से न केवल कैंसर बल्कि मूत्राशय, किडनी, दिल की बीमारी, स्त्री रोग जैसी बीमारियों का भी इलाज संभव है। आम मरीज को इसका लाभ मिले इसलिए अस्पताल का व्यवस्थापन भी उस दिशा में प्रयत्नशील है। देखो, जब रोबोटिक सर्जरी इंट्रोड्यूस किया गया था तब पहले सब रोबोटिक सर्जरी सिर्फ पेल्विक ऑर्गन्स मतलब ब्लैडर, यूट्रस इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया था, बट अभी हमने देखा है कि रोबोटिक सर्जरी में थोरैसिक सर्जरी बहुत आसानी से होता है। वो सर्जरीज जो हेड नेक मतलब जीभ या लैरिंग्स हमारे वॉइस बॉक्स का जो कैंसर रहता है उसमें जो हम रेडिएशन दिया करते थे क्योंकि सर्जरी उधर थोड़ा नामुमकिन था, अभी हम रोबोटिक सर्जरी से हम कर पा रहे हैं। इनफैक्ट दो हफ्ते बाद हम प्लान कर रहे हैं एक ऐसा कुछ सर्जरी इधर एमजीएम में। दूसरा, छाती का जो कैंसर रहता है जैसे ईसोफेगस, लंग कैंसर, इधर हमारा 12 हड्डी रहता है, उसके वजह से उसको काट के अंदर जाके ओपन सर्जरी करना बहुत मुश्किल रहता है। ये ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी में बहुत आसानी से किया जाता है। यूरोप में लेफ्ट राइट सेंटर होता है, हम टाटा में भी रोबोटिक सर्जरी काफ़ी हद तक कर चुके हैं एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी प्रोसीजर। इट बिकम्स वेरी ईजी। आईसीयू जो पेशेंट आईसीयू में जाता है 3-4 दिन के लिए जाता है ओपन सर्जरी में, रोबोटिक सर्जरी में 1 दिन में पेशेंट बाहर आता है। ये सब एडवांटेजेस है रोबोटिक सर्जरी का जो हमें पहले नहीं मालूम था। अभी हम पेल्विक सर्जरीज छोड़ के पेट का, लिवर का, वो सब हम रोबोटिक सर्जरी से प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर वाशी एमजीएम हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नितिन कदम भी मौजूद थे। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।